इधर से, वो बोलते हम केरला से, नहीं बोलेगा हम इंडियन है। यार क्यों नहीं, इंडिया इज ग्रेट, यू मस्ट। दुबई के शेख ने जो बात बोली है ना, वो बात हम नहीं बोल सकते। पाकिस्तानी लोग से और मेरे प्यारे भाई लोग इंडियन लोग से, क्योंकि ये चीज हम खुद आंख से देखा है। अगर हम कोई इंडिया का पास गया ऐसा, अपनी कंट्री का नाम नहीं लेते हैं, शायद लगता है कि हमें शर्म आती होगी। लेकिन जो दुबई के शेख ने बताया ना, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी एक परफेक्ट और राइट बात कही है। इंडिया और जैसा पाकिस्तानी, मेरा प्यारा 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 भाई लोग, जब हम किसी आदमी को देखते हैं, तुम किधर से, बोला हम बलूचिस्तान से। यार बलूचिस्तान क्या, किधर ही नहीं पाकिस्तान, फखर से बोलो कि हम पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान से, क्या मुश्किल है। अभी हमको कोई भी हमको बोलेगा हम बाहर से, हम नहीं बोलेगा कि हम शारजा से है, हम बोलेगा हम इमारात से है, फखर से हमारा मुल्क का नाम लेगा। आप लोग भी ऐसा करो और हमको माफ करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, कि पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हम यहाँ काम करने आते हैं, ज़्यादातर वर्कर ही यहाँ काम करने आते हैं, हमारे पास क्या होता है कि हम यहाँ पे जो वर्कर काम करने आते हैं ना, वो बहुत ही पढ़े लिखे कम होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले ही यहाँ आते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब भी हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अपने स्टेट का नाम लेते हैं। जैसे कोई भाई केरला का है तो बोलेगा मैं केरला से हूँ, कोई भाई यूपी से है तो बोलेगा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कोई भाई राजस्थान से है तो वो बोलेगा कि मैं राजस्थान से हूँ, कोई भाई मुंबई से है तो बोलेगा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो अलग अलग स्टेट का वो नाम बताएगा, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि मैं इंडिया से हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये कभी नहीं बोलेगा। ज़्यादातर हम वर्करों को यहाँ पे हिंदी नाम से जाना जाता है। कोई भी पूछेगा केरला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई, ये कोई नहीं सुनेगा, बोलेगा हिंदी हो, बस हिंदी ही बोलती है यहाँ पे। आप हिंदी हो? बोला हाँ, हम बोलते हैं हाँ, हूँ, जी, ऐसे ही बोलते हैं जवाब। तो दुबई के शेख ने एक चीज हमें सिखाई है, हम जहाँ भी रहेंगे सबसे पहले हम अपने वतन का नाम लेंगे, प्यारे वतन का, जो कि हमें एक हम तीन नाम से पुकार सकते हैं। आपको ये सुनकर खुशी होगी, हम इंडिया से हैं, हम इंडियन हैं, हम भारत से हैं। ठीक है, इंडिया, भारत और इंडियन, हमारी कंट्री का कितना खूबसूरत नाम है। जब आपको पूछा जाएगा कि आप इंडिया में कहाँ से हैं, तब आपको बताना है कि मैं उस स्टेट से हूँ या मैं उस स्टेट से आता हूँ। क्योंकि यहाँ पे वर्कर आते हैं, उनको थोड़ा पता नहीं होता है, तो वो बोलते हैं मैं अपने स्टेट से हूँ। तो मुझे शेख की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। शेख ने एक अच्छी बात बताई हमें, एक राइट टू पॉइंट बताया, और शेख ने पाकिस्तानियों को भी एक नसीहत दी है और इंडियन भाइयों को भी नसीहत दी है कि आप सीना ठोक के कहिए कि मैं इंडिया से हूँ, सीना ठोक के कहिए कि मैं भारत से हूँ। तो कितनी अच्छी बात है हमारे लिए, जो हम नहीं कर पाते वो दुबई के शेख हमें एडवाइस देते हैं कि आप यहाँ पे ऐसा बोलिए, आप ये ना बोलिए कि मैं फला स्टेट से आता हूँ या मैं फला जगह से आता हूँ, ऐसा आपको नहीं है।
आप अपनी कंट्री का नाम बोलिए, क्योंकि आपकी पहचान आपकी कंट्री से है, ये जो सीखने लायक होती है। और कोशिश करते हैं हम आप तक एक बेहतरीन जानकारी शेयर करें, एक बेहतरीन चीज़ आप तक शेयर करें, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए कि हमें कब क्या बोलना है, कौन सी जगह खड़ा रह के हमें क्या बात बोलनी है, उससे हमारे देश और हम जिस कंट्री से आते हैं उसी कंट्री के होने का हमें फख्र महसूस। तो आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। हम कोशिश करेंगे कि आप तक इसी तरह का न्यू वीडियो लाते रहेंगे और आप तक न्यू जानकारी देते रहेंगे। मुझे अच्छा लगा सुनकर वीडियो, तो मैंने आप तक ये वीडियो लेके आया, कुछ अपनी तरफ से बातें बताई, कुछ सेक्स की तरफ से बातें बताई। तो मुझे आशा है और उम्मीद है आप सब दोस्तों को ये हमारा वीडियो, प्यारा वीडियो पसंद आएगा। आप थोड़ी सी भी अगर हमसे मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि शेख ने क्या बात बोली है और हमारी कंट्री के बारे में क्या बोला है, हमारी कंट्री के बारे में वो क्या राय अपनी रखते हैं, हमारी कंट्री के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो हैव ए गुड डे, मिलेंगे फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।